हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय रिएक्शन चैनल। माय नेम इज़ राजेश पासवान और आज की जो वीडियो है वो बहुत फेमस मणिपुरी पर्सनैलिटी के ऊपर है, मतलब उन पे मैं रिएक्शन देने वाला हूँ। उनकी लाइफस्टाइल वीडियो है। मैंने अभी शुरू किया है कि मैं जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं नॉर्थ ईस्ट की, उनकी लाइफस्टाइल वीडियो पर रिएक्शन दूंगा। अभी मैंने पीछे पमिता रैंग जी की जो लाइफस्टाइल वीडियो उन पर की थी, जो कि त्रिपुरा की बहुत फेमस सिंगर हैं। तो आज मैं जिन फेमस पर्सनालिटी पे मतलब उनकी लाइफस्टाइल वीडियो पे रिएक्शन देने वाला हूँ, उनका नाम है, चलिए मैं आपको ना हिंट देता हूँ नाम बताने से पहले, उनकी हाइट 6 फुट 2 इंच के आसपास है और उनका उनका सारा जो बचपन है वो जो पंजाब में बीता है। और उन्होंने और क्या बताऊँ, और वो बहुत हैंडसम है। और हाँ, अभी उनकी एक वीडियो आई थी सोमा के साथ, है ना, वो सोमा मेस नाम आई थिंक, यही उनका जो वो जो पूरा नाम है। नहीं, मैंने उनके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है पर मुझे उनका सरनेम ठीक से कंफर्म नहीं है। आई थिंक सोमा मेस नाम ही है। तो उनके साथ उनकी अभी लेटेस्ट एक वीडियो भी आई थी, म्यूज़िक वीडियो, जिस पर रिएक्शन मैंने दे रखा है। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक आपको आप ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। चलिए मैं अब आपको जो बताई देता हूँ वो है आर के सुशांत। उनकी लाइफस्टाइल वीडियो पे आज मेरा रिएक्शन है और मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ उनके बारे में और जानने के लिए। वो देखो, एक तो वो बहुत हैंडसम तो हैं ही, ठीक है, और बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, प्लस वो उनका बचपन पंजाब में बीता है, तो एक वो भी थोड़ा फैक्टर है कि थोड़ा और जानना चाहता हूँ उनके बारे में, ठीक है। और मैंने जब उनकी फर्स्ट वीडियो की थी तो मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में बताया था कि वो चंडीगढ़ में ही रहते हैं और मैं भी चंडीगढ़ में ही हूँ, तो देखते हैं, क्या पता कोई हिंट मिल जाए कि वो चंडीगढ़ में कहाँ है, फिर मैं भी उनसे मिल के आऊँ। चलिए, अब आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। पर अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन हम आप तक टाइम से पहुंचाते रहे। नाउ फटाफट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूं जानने के लिए उनके बारे में। और हाँ, एक और छोटी सी बात, ये जो वीडियो है ये उनके यूट्यूब चैनल से ही है, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल का लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा, वैसे इस वीडियो का लिंक तो होगा ही, तो आप सीधा उनके यूट्यूब चैनल पर ही जाओगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया उनको तो कर लेना, क्योंकि मैं भी उनका एक सब्सक्राइबर हूँ और बहुत सही वीडियो पाते हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। 1 2 3 इन एवरीवन स्टोरी देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज द बिगिनिंग एंड हियर्स माय ये उनकी रियल आवाज है, मैंने कभी आवाज नहीं सुनी थी। 1999 हियर्स द लिटिल मी एंड द पर्सन कैरिंग मी इज नन अदर देन माय डैड। He made sure I had all the toys I wanted. Even this Popeye which motivated me to eat lots of spinach to get muscles. Popeye made me bahut favorite cartoon fan. For making me healthy by feeding me right, even by using force at times, which I have no regrets now since I'm tall. Being raised outside of Manipur, I did miss my hometown. But I'm still happy because I made good memories here in Punjab. For example, the first Punjabi. Time my teeth started to fall out. Punjabi inko bol sakte hain. Making Punjabi friends, playing Holi. But ko Punjabi hai, samajh mein to aati hogi. But I did come back to Manipur once in 3 years. For example, let's take a look at this picture. Here's a picture of me in my Lukkun Thangwanumit. So many sweet memories. Ye kya ho raha hai? Koi puja? In 2004, God blessed my family and gave me a brother. Now with him around, we make a happy family which is always picture perfect. Now this is where my life starts getting interesting. Oh, taekwondo bhi aata hai fight as a yellow belt. Ouch, that's gonna hurt. Later on, I went on to win state championship, then nationals, and even internationals. International bhi khela hai bhai saab. But it all had to stop. Wow. Serious leg injury after match. तो ये स्पोर्ट्स मैन है। 2016, I participated in Fair and Lovely Men Mega Mr. Northeast 2016. Shant Rajkumar, Imphal, Manipur. And this is what happened. Manipur Sushant. Oh. Mega Mr. Northeast 2016. Smart तो है ही यार, जीतो भाई।
रियली मतलब ये इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा अब, क्योंकि आपके बाद इनको बहुत ज़्यादा फेम मिली होगी ना. This is when I first started getting fame and recognition from all over Northeast India. But I had no idea of what was coming, as it was my breakthrough in the Manipur industry. ये वीडियो करी है मैंने. All thanks to these two people for making an actor out of me. वो तो एक्ट्रेस हैं ये भाई साहब कौन? अब तो भाई साहब स्टार बन गए हैं. वैसे मैंने काफ़ी वीडियोस पे कर इनमें से वीडियो पर मैंने एक्शन दिया है भाई. हाँ दिया है इस पे शायद अभी तक नहीं दिया. बिहाइंड द सीन फैन मीट टीवी इंटरव्यू तो भाई एकदम बिंदास लाइफ है. सो दिस इज माय स्टोरी. ये लुक में ना ये बिल्कुल एक कोरियन सुपरस्टार लगते हैं सही में. एंड थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आई विल बी शेयरिंग विद यू जो हेयर व्हाइट किए ना. आई मार्कस सुशांत एंड वेलकम टू माय YouTube चैनल. आओ भाई सब्सक्राइब करो. जो मणिपुर के हैं वो तो पक्का ही करो जाके. आर के सुशांत वो छोटी वीडियो थी यार पर फिर भी बहुत इन्फॉर्मेटिव थी इनके बारे में. ऐसे मुझे मालूम पड़ा कि इनका छोटा भाई भी है और वो भी आगे जाकर आई थिंक मणिपुरी इंडस्ट्री में जाएगा क्योंकि वो बड़े भाई पर तो जाएगा ही. स्मार्ट तो होगा ही भाई वो. ऊपर से इनका मतलब इन्होंने अपनी लाइफ का बहुत सारा पार्ट जो है पंजाब में बिताया है तो पंजाबी कल्चर से बहुत ज़्यादा अवेयर होंगे ये. पंजाबी समझते भी होंगे ये. वाह सही है बेटा. कभी मैं इनसे मिला ना तो पंजाबी में जब बात करूँगा. और जब मैंने इनकी फर्स्ट वीडियो करी थी तब मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में बताया था कि इनके डैड IFS हैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज में है या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में ये नहीं पता क्योंकि कमेंट में IFS था लिखा हुआ. तो IFS तो दो होते हैं या फिर इंडियन फॉरेन सर्विसेज होते हैं या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज होते हैं और यहाँ पर दोनों ही हैं. चंडीगढ़ में जो एक पास में जो है एक जंगल भी है तो आई थिंक वो IFS होंगे. पर यहाँ पर इमिग्रेशन का भी काफ़ी होता है तो शायद एक इंडियन फॉरेन सर्विसेज में भी होंगे. चलो जो भी है मतलब बचपन इनका यहाँ भी था तो पंजाबी कल्चर से अवेयर होंगे. और मुझे एक और कमेंट में दिखा था कि ये चंडीगढ़ में रहते हैं क्योंकि इनकी मैंने इनके व्लॉग्स देखे हैं और व्लॉग्स में काफ़ी लोकेशन जो होती है ना वो यहीं की होती है. ठीक है सुखना लेक यहाँ पर एक लेक है सुखना लेक वहाँ पर वो लेक बहुत बार इनके व्लॉग्स में दिखती है. तो यानी इनका चंडीगढ़ में आना जाना काफ़ी रहता है और ये यहाँ पर काफ़ी टाइम होते हैं यहाँ पर. क्या पता मुझे कभी आते जाते जो टकर जाए. ओके वैसे यार आप में से कोई मेरी वीडियो जो है पहुँचाओ उन तक. ठीक है क्या पता मैं उन पर मेरी कभी उनसे जो मुलाकात हो. और जिस दिन होगी मेरा व्लॉग मेरा एक व्लॉगिंग चैनल भी है जो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है तीन ही वीडियोस हैं उसमें बस. पर जब कभी मैं कोई ऐसी मीटिंग होगी ना मेरी तो मैं ज़रूर शूट करूँगा वो वीडियो. सो वैसे ये तो उनके अपने चैनल से थी पर अगर किसी के पास या फिर किसी को ऐसी वीडियो पता है जिसमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो मतलब इनके बारे में तो वो भी मुझे जो है सजेस्ट जो है कीजिए ताकि मैं उस पर भी रिएक्शन दूँ ताकि मैं और जान पाऊँ. और मैंने ये जैसे कि मैं जो है पहले भी वो बोल चुका हूँ कि मैंने अब शुरू किया है कि मैं सभी जो फेमस एक्टर्स हैं या फिर सिंगर्स हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट के मैं उन सभी के लाइफस्टाइल वीडियो पे जो है रिएक्शन दूंगा. ठीक है ताकि और लोगों को मालूम पड़े जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और मुझे भी जो है उनके बारे में जानने का मौका मिलेगा. अब देखो मेरे आई थिंक 20,000 के अराउंड मेरे सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं. आई थिंक हो गए हैं पता नहीं मैंने तो देखा नहीं है. कल तो 19,900 के आसपास थे. तो अब उसमें मेजर पार्ट जो है वो कोबोरक लोगों का है त्रिपुरा के. ठीक है और उसके बाद आते हैं मणिपुरी
उसके बाद तिब्बतन लोग भी जो हैं बहुत हैं, लद्दाख के भी हैं और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से भी हैं। तो यानी मेरे पास सब्सक्राइबर जो हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट से हैं और लद्दाख से भी हैं और तिब्बत से भी हैं। तो आप सभी जो भी आपकी आपको और जौन सी भी फेमस पर्सनैलिटी आप मतलब आपकी जो भी फेमस पर्सनैलिटी आपको पसंद है ठीक है अपने रीजन की, उनकी लाइफ स्टाइल वीडियो मुझे वो रिकमेंड करो ठीक है। मैं उन सब पे रिएक्शन दूंगा, एक एक करके सब पे आएगा, एक साथ तो नहीं कर सकता पर एक एक करके सब पे आएगा ठीक है। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।